ग्राम पंचायत सरपंच को कितनी कठिनाइयों के साथ अग्नि परीक्षा से गुजरने पड़ते हैं और क्या क्या विलेन नहीं लगते और क्या यातनाएं नहीं झेलने पड़ते। यह पंचायत चुनाव ग्रामीण एरिया में 5 साल बाद आरक्षण अनुसार गांव के प्रधान की चुनाव की जाती है। वहीं एक सरपंच के लिए अनगिनत उम्मीदवार दावेदार होते हैं और अपने तरफ से भरपूर प्रयास करते हैं, जिसमें से एक की ही विजय होती है और अन्य लोग चुनाव में हार कर दुश्मन हो जाते हैं। और दवेवस के भावना से जो विकास कार्य में रोड़ा डालते हैं, पंचायत को विवादित करते हुए कई तरह के झूठे केस में फंसाने के लिए कई तरह के हथकंडा अपनाने से भी नहीं चुकते। ऐसा ही एक मामला लोरमी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत अखबार का है, जहां आए दिन सरपंच के ऊपर कई आरोप लगाए गए थे, जो कि सभी आरोप निराधार निकले हैं। यहां पे बता दे कि पंचायत के ग्रामीणों ने सरपंच के ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से हितग्राहियों से राशि मांगने का आरोप लगाते हुए जनपद पंचायत लोरमी में शिकायत की गई थी, जिसमें लोरमी के मुख्य कार्यपाल अधिकारी सीएल कौशिक ने गंभीरता से लेते हुए जांच टीम गठित करते हुए जांच करने के आदेश दिए। वहीं जांच टीम के करारोपण अधिकारी के द्वारा गांव पहुंचकर शिकायत की जांच की गई। जांच में कोई तथ्य सामने नहीं आया और आरोप निराधार निकला। वहीं उपस्थित ग्रामीणों ने सरपंच सचिव को सही कार्य करने की बात प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही बुजुर्ग महिला ने कही। सचिव है नहीं दे रहे वो सचिव है नहीं हम सलाह सचिव सचिव है और कुछ सचिव है सचिव नहीं चीने हैं हाँ हाँ पैसा नहीं मांगे सचिव है नहीं मांगे हैं गेट नहीं है अब सरपंच नहीं मांगे मुकेश है वो नो नहीं मांगे नहीं दे इतना कौन पैसा नहीं दे हम सलाह हाँ तो काबर रुके तो पैसा मैं काबर रुके तो भगवान क्या नाम है नहीं क्या नाम देता हाँ अभी कहाँ रहते हैं वो ही मेरा टावर में वहीं जब इस पूरे मामले के बारे में गांव प्रधान सरपंच मुकेश जसवाल से जानकारी लेने पर बताया कि किसी से कोई राशि नहीं ली गई है, यह अपोजिट विरोधा व्यक्तियों के द्वारा बदनाम करने की साजिश की गई थी, जो जांच में स्पष्ट होने की बात कही गई है। सरासर गलत है, मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है, ऐसा कुछ चीज नहीं है, मैं किसी से आवास के नाम पे पैसा नहीं लिया गया है। तो यहाँ पर जो हितग्राही है वो भी बोल रहे हैं पैसा दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई हितग्राही नहीं बोल रहे हैं, मैं किसी से लिया नहीं है, तो काम कहाँ से बोलेंगे पैसा लिया है। इसकी शिकायत भी जनपद आया है कि जांच कर हाँ वो जो जांच हुआ था चतुर्वेदी महाराज के द्वारा यहाँ जाँच करने आया था सीओ के आदेश के बाद और वो गलत पाया गया है। पंचायत चुनाव 3 चरणों में होने की अधिसूचना जारी हो गए हैं। महज कुछ ही महीने बाकी है चुनाव होने में और लोग रोप प्रत्यारोप के साथ अपनी गोटी बिछाने में जुटने लगे हैं। वहीं आरोप में कार्रवाई की गई है। पूछने पर जनपद पंचायत के सीओ सीएल कौशिक ने कहा कि आरोप जो सरपंच के ऊपर लगाए गए थे पूरा निराधार निकलने की बात कही। सर ग्राम पंचायत अखरार के सरपंच के पर शिकायत हुई है कि उसके द्वारा पैसा वसूला जा रहा आवास के नाम पर, इस पर कोई जांच वगैरह? हाँ, एक संज्ञान में आया था कि वहाँ एक महिला है जिनसे लेन देन के समय मीडिया के माध्यम से एक सूचना मिली जिसको जांच कराया गया करारोपण अधिकारी चतुर्वेदी जी के द्वारा। उन्होंने जाकर के उनसे जब बात किया तो पता चला कि किसी प्रकार से कोई राशि लेन देन नहीं, मतलब शिकायत निराधार पाएगी। यदि किसी जनहित में मिलकर हाथ बढ़ाते हुए सहयोग करने से गांव की चौमुखी विकास होने से इनकार नहीं किया जा सकता। मुंगेली से प्रीतम दिवाकर का रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।